हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 45 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के आइकन साइज को चेंज कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आपको करना क्या, मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पे खाली जगह पे आपको उंगली से दबा के रखना है ऐसे। तो आपका एक छोटा सा पेज आएगा, इसमें आपको ये होम सेटिंग का ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको ये आइकन साइज का ऑप्शन है, इस आइकन साइज को सिलेक्ट करना है। अब इस वाले पेज में ना नीचे की साइड आपको ये लाइन दे रखी है, इस लाइन को आपको यूज करना है। इस लाइन को आपको ना आगे और पीछे आप कर सकते हैं, जिससे आपके जो ऐप आइकन होते हैं इनका साइज जो छोटा और बड़ा होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए, इस मैं लाइन को पीछे करूंगा तो ये आइकन का जो साइज है देखिए छोटा होता चला जाता है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ना आइकन का साइज यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलता है छोटा और बड़ा होते हुए। शायद आपको मेरे सेकंड कैमरे से ये आपको आइकन साइज चेंज होता हुआ यानी छोटा या बड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं इस देखिए सबसे बड़ा कर लेता हूं। अब मैं इसे आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा करके दिखाऊंगा, तो आपको आइकन साइज को ध्यान से देखना है, सेटिंग के आइकन को ध्यान से देखना है, ये छोटे और बड़े होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखिए मैं जल्दी जो आइकन साइज को छोटा और बड़ा कर रहा हूं, तो देखिए आइकन साइज जो छोटे और बड़े हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों आप ना आइकन साइज को यहां पे ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना,